शमी 30 रुपये का एक, मधुमालती 50 रुपये का एक, चमेली 40 रुपये का एक, टोटल हमने पे किए हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि ऐसे उसके पास आएंगे तो खुशबू आए, ऐसा होगा ना? रानी ले लो, रात रानी में आए नहीं, कम से कम वो पाई है ना, उतने दूर लगी रहेगी, रात में आपको यहाँ तक खुशबू आएगी। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार व्लॉग में। आज का जो ये व्लॉग है ये 3 दिन में शूट हुआ है, क्योंकि एक दिन जब हम गए थे गलगला मार्केट उस दिन जल्दी जल्दी में थे तो वीडियो स्टार्ट कर दिए थे, तो मैंने स्टार्टिंग पार्ट शूट नहीं कर पाया था। उसके बाद मैं शाम को निकला था 5 बजे नर्सरी, तो जब वहाँ से लौट के आया तो टाइम हो गया, फिर वीडियो एंड करने का मन नहीं किया, तो ये पार्ट आज शूट हो रहा है। और जिस दिन वो वीडियो शूट हुई है मेन वीडियो, तो उस दिन सिर्फ वो शूट हुआ है और अंत वाला पार्ट दूसरे दिन शूट हुआ है, क्योंकि आने के बाद टाइम हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाया था। तो चलिए हम लोग नर्सरी जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स लाना है, वीडियो में देखिएगा आप। ऑल राइट मेरे दोस्तों, सामने आप बादल देखिए, मैं देख रहा हूँ कि उड़ रहे हैं पूरे यार, वीडियो में पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, काले काले बादल। अरे ये तो कोई राइडर लग रहा है सामने। हाँ, तो इस चैनल पे जो सबसे ज़्यादा टॉप पे वीडियो चल रही है, जिसपे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, वो है मेरी नर्सरी वाली वीडियो। तकरीबन 3 से 4 वीडियो मैंने नर्सरी की बना चुका हूँ और आज भी नर्सरी की वीडियो ही बनने वाली है, और आज मैं आपको रास्ता भी बताते हुए चलूँगा, क्योंकि कई वीडियो पे मेरी कमेंट्स आते हैं कि आप रास्ता भी बताया करें। अभी मैं हूँ, वो मेरे साथ प्रियंका पीछे बैठी है, हम दोनों जा रहे हैं कुछ प्लांट्स लाने, 3 या 4 प्लांट्स लाएंगे, आपको समय बता दें एक बार। 5:19 जा रहे हैं मजीठा नर्सरी, वहाँ पे बहुत अच्छी नर्सरी है। अब बारिश इतनी गिर गई है, पानी इतना गिर गया है, तो कई प्लांट्स और अच्छे हो गए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है पापा की गाड़ी है ना, तो पापा ने अपनी बहू को देखिए पर्दा पहना है ये बरसात से बचाने के लिए। पता क्यों, इसके पीछे रीज़न है क्या, इसमें पानी जाता है ना चाबी वाले में, तो इसको जब हम लोग लॉक करते हैं हैंडल या ओपन करते हैं तो फंसता है, खुलता नहीं है, तो इसको बचाने के लिए पापा ने ये पॉलीथीन लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी पानी तो जाता ही है, अभी भी ये फंसता है, अगर मैं लॉक करता हूँ हैंडल या फिर चाबी ऑन करता हूँ जब चालू करने के लिए तो फंसता है। लेकिन अभी ये लुक बिगाड़ रहा है तो मैं इसको अंदर करूँ, पापा जब गाड़ी देखेंगे तो ठीक करते रहेंगे। मैं देखा था इसको, घर से ही देखा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। हो सकता है आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। पानी गिरने लगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं रोको रोको रोके, हाँ आएगा तो नहीं, 2 मिनट रुक के देखें क्या क्या ऐसा पानी गिर रहा है, रुक जाएगा पता। ले लो एक तो ये वाला ले लो, ये दूसरे तरह का जासून है, सीताफल सहतूत 40, सीताफल 180, नाशपाती 80, संतरा 50, चीकू 150, कटहल 80, मौसमी 60, नारियल 200, इमली 50, अमरूद भी 50। अभी तक क्या क्या लिया गया है आपको बता दूं, एक सेमी पत्ता लिया गया है, 2 गुलाब के फूल लिए गए हैं, और अब ले रहे हैं हम लोग जासवन, 2 जासवन, एक रेड लेंगे और एक दूसरे कलर का लेंगे। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ लेने के लिए, काम भी चल रहा है यहाँ, कीचड़ कीचड़ हो गया ना, तो ये लोग ईटा डाल रहे हैं बीच बीच में ताकि जाने आने में सुविधा रहे। मधु कामिनी तुम इतनी महंगी क्यों हो यार, तुमको बाद में अब ले पाएंगे। अल्मूरा 50, ड्राई फान 60, मधु मालती लिखा इसमें, खुशबू देगा ना। अच्छा ये तो वो वाला फैलने वाला है ना, ये बेल वाला, हाँ। ये कौन सा है, जासून देसी 30 रुपये का, वो कौन सा सफ़ेद वाला, मोगरा, क्या दाम है, 50। खुशबू तो ये भी देता है ना मोगरा भी, हाँ मधुकामिनी दिखा दीजिए, काफ़ी अंदर तक है यार, ये तो पूरा बस वाड़ी बन गया यार प्रियंका, क्या ये है खुशबू, हाँ नींबू, हाँ। अच्छा हम चाह रहे हैं कि ऐसे उसके पास आएंगे तो खुशबू आए, ऐसा होगा ना? रानी ले लो, रात रानी में आए नहीं, कम से कम वो पाई है ना, उतने दूर लगी रहेगी, रात में आपको यहाँ तक खुशबू आएगी, सिर्फ रात को, रात को। कहाँ है वो, वो दाम उसका 50, लैला मजनू भी है 50 रुपये का, ये रात रानी, अच्छा ये है चमेली है ना,
गया कि और कुछ बचा है इसमें? हो गया भैया, कागजी नहीं है, बालाजी आया है। थैंक यू भैया। वाह, यहाँ का तो अच्छा सिस्टम है, बढ़िया थैला भी मिला है, शाही फीलिंग आ रही है। समोसे के साथ एक्स्ट्रा प्याज वाला काम है ये, मस्त है यार, मजा आ गया। वाह रूबी, मजा आ गया, मजा आ गया। एक रिकमेंडेशन और मैं देना चाहूंगी कि अगर वो लोग खुद से नहीं देते हैं बैग, अगर पॉलिथीन आपको देते हैं तो एक बार आप पूछिए पॉलिथीन के लिए, उसके लिए बैग के लिए कि भैया बैग मिलेगा, बैग नहीं मिलेगा भैया। बढ़िया है यार नर्सरी ये वाली, आपके आने लायक है, आप जरूर आइए। क्या क्या लिए हैं? तो एक, अरे वो रिसिप्ट तो दी, लिए ही नहीं अपन ने, रिसिप्ट भूल गए, अब रिसिप्ट लेके आते हैं। हालांकि रिसिप्ट किसी काम का तो है नहीं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। मैम वो रिसिप्ट दीजिए ना, नहीं मैं भूल गया था, रोहित। थैंक यू। गुलाब दो ठो मिले अपने को 40 रुपए के, जासून दो मिले हैं, मतलब गुलाब एक है 20 रुपए का, दो हुआ 40 का, जासून एक है 40 रुपए का, 2.80। शमी 30 रुपए का एक, मधु मालती 50 रुपए का एक, चमेली 40 रुपए का एक, टोटल हमने पे किए हैं 240। मुझको दो प्लांट्स और लेने थे, एक मधु कामिनी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शायद, उन्होंने कमेंट किया था कि मधु कामिनी आप ले सकते हैं खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू थी। फिर मैंने पूछा इनसे तो बोल रहे थे कि हाँ खुशबू वाला तो है, लेकिन वो 120 रुपए का था, मेरे को महंगा लगा। अभी नहीं ले सकते थे उसको तो नहीं लिए, ऐसा नहीं है कभी और नहीं लेंगे, कभी और भी ले सकते हैं। और दूसरा रात रानी लेना था तो उसकी जगह चमेली ले लिए हैं। रात रानी वो बोल रहा था कि रात को खुशबू देगा, आपका पूरा मोहल्ला महक जाएगा, तो दो पौधे नहीं ले पाए हैं, अब कभी और लेंगे उनको। देखिए यहाँ भी लगाए हुए हैं, शायद वहीं से ला के ये लोग यहाँ खरीद रखे होंगे और थोड़ा सा बढ़ा के दाम में ये लोग बेचेंगे। कई घरों में मैं देखता हूँ, जब कहीं जाओ तो नीचे से देखो उनके छत पे, तो पूरा छत उनका कवर रहता है पौधे ही पौधे, पौधे ही पौधों से, देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मुझको भी करना है, एक दिन मेरे छत पे भी पूरे पौधे ही पौधे होंगे। और मेरी भी ख्वाहिश है कि पूरा पौधा तो हो ही हो, साथ में उसके खुशबू भी हो, तो खुशबू वाले भी लेना है, एक नहीं दो तीन लिया जाएगा ताकि ज़्यादा खुशबू फैले, रात को अलग दोपहर को अलग। एक घंटे के अंदर अंदर ही सारा काम हो गया, वहाँ पे गए तो तुरंत वो एक लड़का वहाँ पे मिल गया जो काम करने वाला था, और वो अपने साथ ही लगा रहा। अच्छी सर्विस है लेकिन उन लोग, सबसे अच्छा है कि बैग मिला। प्रियंका थोड़ा पीछे रखो, ऐसा लग रहा है गड़ रहा है मेरी पीठ में। जब हम लोगों को चीज़ फ्री में मिलता है ना तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, ये इंडिया है बॉस। एक समय एक ब्रेक आता था, यहाँ पे एक दफ़ा किसी की मदद कर दो तो उसके साथ घरगुल्ला बन जाता है। तो मैं ट्रैफिक से लड़ता हूँ और लड़ने के बाद आपको घर पे मिलूँगा, दिखा दूँगा आपको एक बार अच्छे से कि कौन से प्लांट्स मैंने लिया हूँ और कितनी क्वांटिटी में लिया हूँ। हाँ जी, तो आज है नेक्स्ट डे और जो जो प्लांट्स लिए थे हमने वो प्लांट्स अब आपको हम दिखाते हैं। ये वाला है शमी का पौधा जो कि हमको 30 रुपीज़ में मिला था। ये है एक और जिसका नाम है मधु मालती। ये वाला है जासून का पौधा, इसको भी बाल्टी में लगाया गया है। ये वाला है दूसरा जासून, इसको फ़िलहाल में गमले में लगा है, इसको भी बाल्टी में लगाना है। एक गुलाब का पौधा ये लिया गया है, इसके बाजू में एक गुलाब का ये भी लिया गया है। और सबसे लास्ट में ये वाला है चमेली का पौधा, इसको भी लगा दिया गया है, इसी में पुदीना भी लगा है और ये भी लगा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और एक बात आपसे बताना है कि मैंने वीडियो में बोला था कि आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मुझको कैमरे ने धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि बीच में बारिश आ गई थी तो पूरी वीडियो शूट ही नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों। तो बता देता हूं आपको, देखिए दमोह नाका से जब आप सीधे जाएंगे विजयनगर रोड पे, तो तकरीबन आप जब 2 किलोमीटर आगे जाएंगे ना तो वहां पे आपको राइट हैंड साइड में जाते वक्त एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलेगा, और पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में ही है वो मजीठा नर्सरी। तो आप वहाँ पे किसी से ही पूछ सकते हैं, या तो आप जाइए विजयनगर रोड पे और पूछिएगा मजीठा नर्सरी, अगर कोई नहीं बता पाता है तो आप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पता कीजिए और उसके जस्ट बगल में लगा ही हुआ है, तो आप इजीली वहाँ जा सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, 40 लाइक्स का मैं एम रखता हूँ, करवा देंगे यार पता है मुझको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलो।